इंडिया चैनल में आपका स्वागत रहेगा। तो हम जीके के टॉप यहाँ पे क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक यहाँ पे ए और बी दोनों भू गर्भ वैज्ञानिक, उसके बाद पुरातत्वविद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? तो थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है? तो आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे सी और डी, यानी महदहा से, उसके बाद सराय नाहर राय से रा से, उसके बाद हड्डी के निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो ए और बी दोनों, यानी सराय नाहर राय से, उसके बाद महदहा से। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देख सकते हैं आया हुआ है। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं? तो द म द मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो जव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसको चालुकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति
से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो H.D. सार कलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य से में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बी यानी संगन कलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विकता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो बी ए ए वा वांक कर तो बी एस वांक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक माद भांड पात्र ओ सी पी का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा।